जिंदगी की दौड़ में हम आगे भागते चले जा रहे हैं, पीछे छूटता जा रहा है हमारा स्वास्थ्य और सामने आ रही हैं स्वास्थ्य समस्याएं, और इन समस्याओं को दूर करने के लिए बनाए जा रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र। आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे ही एक केंद्र के बारे में जिसका नाम है कस्तूरबा ग्रामीण आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र, जो कि आंजी गाँव में स्थित है। यहाँ है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, जहाँ अनेक रोगों के उपचार किरण क्लिनिक्स की मदद से किए जाते हैं। किरण क्लिनिक्स को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर इस अस्पताल का नाम कस्तूरबा गांधी के नाम पर क्यों रखा गया और इसको बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है। सो बेसिकली जो सेवाग्राम में हमारी मेडिकल कॉलेज है उसका नाम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। बट महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्टार्ट होने के पीछे की स्टोरी ये है कि जब 1944 में कस्तूरबा को जेल हुई थी पुणे में आगा खान फाउंडेशन में, और वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी श्वसन तंत्र की बीमारी की वजह से। और जब फिर गांधी जी हमारे देश को आज़ादी मिली और सेवाग्राम वापस आए, तब ऐसा सोचा गया कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिलती है, खास करके ग्रामीण भाग में। तो सेवाग्राम में आश्रम के बाजू में ही गांधी जी के एक अनुयायी थे डॉक्टर सुशीला नायर, जिनको गांधी जी की बेटी करके भी बुलाया जाता है। वो खुद पेशे से डॉक्टर थी और उन्होंने सेवाग्राम में एक छोटी सी अस्पताल स्टार्ट की और अस्पताल का नाम कस्तूरबा हॉस्पिटल रखा गया कस्तूरबा की मेमोरीज में। और वो हॉस्पिटल गांधी जी के द्वारा ही चालू की गई थी, और उसके बाद वो कस्तूरबा हॉस्पिटल आगे जाके कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी करके एक ट्रस्ट बनी, और उसके अंडर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम की मेडिकल कॉलेज बनी। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा सेंटर वो मेडिकल कॉलेज का ही एक हिस्सा है, तो इसको भी कस्तूरबा की मेमोरी में कस्तूरबा रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर ऐसा नाम दिया गया। नाम से कहीं अधिक बड़ा होता है काम, और जब इस संस्था के कार्य की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है किरण क्लिनिक्स का। कुल 20 गांव में 11 किरण क्लिनिक्स हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। एक कैल्शियम की गोली लिखी है, एक विटामिन की गोली लिखी है, ठीक है, दोनों एक टाइम लेना है, और एक दर्द की गोली लिखी है, वो जब ज्यादा दर्द हो तभी लेनी है, ठीक है। डायबिटीज है और ये एनीमिया है, हाइपरटेंशन है, इनके बारे में लोगों को जागरूकता देना और उनकी रेगुलर मेडिकेशन प्रोवाइड करवाना, ये हमारा किरण क्लिनिक का मेन एम रहता है। हमें यह भी जानना जरूरी है कि इन किरण क्लिनिक्स का संचालन किस प्रकार से होता है। तो आप ये गांव-गांव में जाके करते हैं? जी, हमारा क्या है कि मतलब डे जैसे फिक्स कर रखे हैं हमने, जैसे कि अलग अलग विलेज के अंदर ऐसा किसी मंथ के फर्स्ट डेट को वहाँ पे होगा, जैसा कि पवनूर विलेज है तो इसके अंदर हम एवरी थर्सडे को आते हैं, तो ऐसा हमने सब गांव को डिवाइड कर रखा है। और हम वहाँ जाके, और एक हमारे साथ में सिस्टर्स रहते हैं, एक डॉक्टर रहता है, और हमारी गाड़ी जाती है और वहाँ पे हम प्रॉपर उनको मेडिकेशन वगैरह देते हैं और चेकअप होता है। किरण क्लिनिक्स न केवल ग्रामीणों के लिए लाभदायक है, बल्कि यह डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं जिससे सभी को लाभ मिले। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन द्वारा गर्भवती महिलाओं तथा हाल ही में बनी माओं के लिए भी मीटिंग्स रखी जाती हैं, जिसमें उन्हें गर्भ और बच्चों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। तो हम उनको बताते हैं कि जब से जन्म होता है तब से ही बातें करना है उनसे, बच्चों को जैसे जो पेट में रहते हैं तब से ही बातें करना है। जैसे वो अभिमन्यु की जो कहानी है वो हम उनको प्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं कि जैसे पेट में ही बच्चा रहता है तब से बच्चों के साथ बात करना, वो वगैरह, वो फीलिंग्स आने देना, अच्छे विचार रखना। साथ ही उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाता है। उसमें वो प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी, उसमें हमने 10 महिलाएं और 10 बच्चियां जो 18 के ऊपर है उनको हमने लिया है, ताकि उनको ये सब उसमें समझा जाए कि अगर प्रेगनेंसी रखना है
जो भी उनकी लाइफ में वो जब भी रखेंगे तो उसके लिए पहले वो क्या कैसे प्रिपेयर रहे, ठीक है ना। तो उसका ये छोटा सा बिल्कुल शॉर्ट प्रोजेक्ट था जो हमने शुरू किया है। किरण क्लिनिक्स के अंतर्गत प्रतिबंधक, उपचारात्मक तथा संवर्धक सेवाएं बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन अपना बेस्ट दे रहा है। कोई भी चीज़ रातों रात प्रसिद्ध नहीं हो जाती, परंतु यदि सही तरीके से काम किया जाए तो यकीनन उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। इस टीम को ऑल द बेस्ट अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए।